हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डिज़ाइनर फंदे लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। डिज़ाइनर फंदे डालने के लिए सबसे पहले हमने ऊन को लेना है ऐसे, उसके हमने चार फोल्ड करने हैं। ये हमारे दो फोल्ड हो गए, ये हमारे तीन फोल्ड हो गए और ये हमारे चार फोल्ड हो गए। चार फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे नॉट लगानी है। ये फालतू जो धागा होगा इसको हमने कैंची से काट देना है। तो धागा है इसको हमने ऐसे काट देना है। अब हमने लेफ्ट हैंड में ये फोर फोल्ड जो हो रखा है ऊन का, वो हमारे लेफ्ट साइड में रहेगा और ऐसे धागे को ऐसे लेके ऐसे छोड़ देना है। ये हमारा एक फंदा बन गया है। अब हमने धागे को ऐसे लेना है, धागे को ऊपर से ऐसे लाके नीचे लाना है और बीच से सिलाई को निकाल देना है। फिर हमने फिर से ऐसे ही करना है। एक बार हमने ऐसे करना है, सिलाई को ऐसे लेके छोड़ देना है और दूसरी बार हमने ऐसे लेना है। अंगूठियों को बीच से लेकर के ऐसे धागे को ऊपर से नीचे की तरफ लाए और सिलाई को बीच से ऐसे निकाल दिए। ये हमारे चार फंदे हो गए। अब फिर से हमने ऐसे करना है, ऐसे करके सिलाई को नीचे से ऐसे ऊपर को लाएंगे और धागे को ऊपर से नीचे की तरफ को ऐसे ला के और इसको ऊपर से ऐसे नीचे छोड़ देंगे। दूसरी बार हमने क्या करना है, अंगूठे को ऐसे ले करके ऐसे आ जाएगा और इस धागे को पकड़ के इसके ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और सिलाई को बीच से निकाल देंगे। फिर हमने ऐसे करना है। दूसरी बार हमने ऐसे करना है, अंगूठे को बीच में ला के सिंगल धागे को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और सिलाई को बीच से निकाल के ऐसे ले आएंगे। और फिर हमने क्या करना है, ऐसे सिलाई को नीचे से ऊपर को लाएंगे और धागे को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए और इसको धागे को हमने ऐसे नीचे को ऐसे छोड़ देना है। दूसरी बार हमने क्या करना है, अंगूठे के बीच से ऐसे धागे को ऊपर से नीचे को ला के उस सिलाई को बीच से ऐसे निकाल देना है। फिर हमने ऐसे ही करना है। ऐसे ही हम फंदे को डालते जाएंगे। एक बार हमने उंगलियों के बीच से ऐसे डालना है और दूसरी बार ऐसे लेकर के अंगूठे को ऐसे सिलाई के ऊपर से ऐसे आएगा ये वाला धागा और ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए सिलाई को बीच से ऐसे निकाल देना है। ऐसे उंगली में लपेटते हुए धागे को और सिलाई को नीचे से ऊपर को ऐसे डालेंगे। फिर इस धागे को पकड़ के सिलाई के ऊपर से ऐसे लपेटते हुए नीचे लाएंगे और इस चार फोल्ड वाले धागे को ऐसे नीचे छोड़ देंगे, उसको खींच देंगे। दूसरी बार हमने क्या करना है, अंगूठे में ऐसे लपेटते हुए धागा सिलाई के ऊपर से ऐसे आएगा, फिर धागे को ऊपर से नीचे की तरफ लाके और सिलाई को अंगूठे के बीच से ऐसे ले आएंगे और इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही हम सारे फंदों को डालेंगे। यू मेरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।